हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे अपना और अपने मम्मी पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज है मेहंदी, जहाँ मैं गई हुई थी परसों हल्दी में, तो वहीं अभी मैं जाने वाली हूँ मेहंदी में। और मुझे लास्ट टाइम पे कोई ड्रेस समझ में नहीं आया, तो ये टॉप मैं पहनी हूँ, जो कि बहुत पहले आप लोग देखे होंगे जब मैं कोलकाता जब गई थी तभी। उसके बाद ना मुझे अच्छा नहीं लगता था, और देखो ये लास्ट टाइम पे आज काम आया। मेरे पास एक टॉप और था, मतलब जो मैं पहनने वाली थी सूट, वो गुड़िया पहन ली। और जितना भी ऑप्शन था ना, अब इतना हड़बड़ हो गया कि मेरा मन ही नहीं कर रहा पहनने का, तो बस मैं यही पहन के जा रही हूँ। और मुझे काफी ज्यादा लेट भी हो चुका है, 12 बज चुका है। मैं दीदी को बोल रही थी कि आप 11 बजे रेडी होकर बैठ जाइएगा, आपको हम पैर में लगा देंगे, तो कम से कम पैर का लगा के फ्री कर देंगे। बट मुझे काफी ज्यादा लेट हो चुका है, बट अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। देखते हो अपना नाश्ता भी, मैं वीडियो बनाते बनाते तैयार होते होते क्यों तैयार हो गई, लेकिन मेरा नाश्ता नहीं हुआ। तो चलो निकलते हैं, मेरे साथ सत्यम भी जा रहा है और गुड़िया ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी है। यहां से मुझे इंट्रो शूट करना था ना, तो यहाँ मम्मा कर रही है लंच का तैयारी। टमाटर का चटनी बनने वाला है आज, और पता नहीं क्या बनने वाला है। फिलहाल तो सुबह में ये बना था, पराठा और गाजर का हलवा। मम्मा देखो एक बार के बताने में, देखो मेरे रूम में जाने का जगह देख रहे हो कितू सा है, और मेरा रूम का तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो रखा है। ऊपर से लाइट खराब हो गया, अब क्या कर सकते हैं, तार वगैरह लेना है। अब घर आके ही समेटेंगे सब कुछ, मुझे नहीं लगता कि आज मैं कुछ समेट पाऊंगी। बैठे बैठे हम हल्दी का वीडियो एडिट कर रहे हैं, वो अपने चैनल के लिए नहीं, मतलब वो कल प्रोजेक्टर पे, वहाँ शादी में, उनकी शादी में प्रोजेक्टर पे लगने वाला है हल्दी और मेहंदी का वीडियो, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। अभी बैठ के मैं कर रही हूँ, और जो मेरा क्लिप था ना वो एडिटेड, वो गलती से मेरे से डिलीट हो गया, तो वो तो अब डाल नहीं सकते। हम अपना ब्लॉग तो चलाएंगे ना यार, मतलब दीदी का जो जो क्लिप सब है वो सब इम्पोर्टेंट सब लगाएंगे, तो बस वही कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरा एक्सपोर्ट तक हो जाए, मतलब एक्सपोर्ट तक होने तक हो जाए, बस म्यूजिक ऐड करके एक्सपोर्ट मार देंगे, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी में और कुछ बोल नहीं सकता। पता है बहुत ज़्यादा लेट हो गया, गुड़िया वहाँ कॉल की थी, बोली यहाँ सब कुछ रेडी है, तुम ही कोई लेट हो रहा है। सच में मेरा ऐसा कोई ये नहीं था, मतलब 11 बजे मुझे आना था, लेकिन आज संजोग से दुकान में इतना ज़्यादा कस्टमर था यार। चलो अब फाइनली पहुँच गया, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। गली में उस दिन आया था, थोड़ा थोड़ा याद है, मतलब ढूंढते ढूंढते चले ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि भूल जाएंगे। चलो सत्यम आज अपना 20 रुपया बचा के खुश हो रहा है, नहीं 20 रुपया 30 रुपया बचा के खुश हो रहा। पता है सच में हम कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा गली है, अब आगे वाला गली लग रहा है, क्योंकि उस दिन पता नहीं किस होश में मैं आई थी, उनको याद ही नहीं। चलो फाइनली हम लोग सही गली में घुसे। हम लोग पता है मुझे कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना इस गली में आने में, लग रहा था कि उधर है उधर है, लेकिन फिर थोड़ा आगे बढ़ते 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 पता चला कि चलो ये इस गली में, चल 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 चल। बताओ 2 दिन पहले आए और आज भूल गए, क्या बताएं यार, इतना गंदा यादाश्त कैसे चलेगा काम। तो फाइनली 12:30 बजे हम लोग पहुंचे गुड़िया के पास। यहाँ नहीं है, हेलो गुड़िया, यहाँ कौन कौन है दिखे जरा शक्ल। हेलो हेलो, हो गया कल ना मार खाने से बचा रही थी उसको, गलती सुनी ना दोनों में से कोई, और आ गई थी दोनों मम्मी और ये दोनों। यहाँ पहले वाला बैकग्राउंड उधर था, उधर से अब इधर आ गया, इधर भी सुंदर लग रहा है पता है। और अभी यहाँ तैयारी चल ही रहा है, तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा खाना पीना खाने के लिए, उसके बाद फिर लगाएंगे मेहंदी। यहीं बैठे मैम, यहाँ मेरे शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है मैम। तो यहाँ पूरा तैयारी डन हो चुका है, बस दीदी का आने का इंतजार है। हेलो गाइस, अपने ही दुनिया में तो आपको कैसा फील हो रहा है कुछ बताइए, 2 शब्द बोलिए इसके ब्लॉग में।
आज रात तुझे स्टार बना दूँ। तो थोड़ा देर का ब्रेक लेके मैं आई हूँ छत पे। अरे वाह, यहाँ से तो पूरा भागलपुर दिख रहा है, क्योंकि दीदी गई हुई है थोड़ा खाना पीना खाने के लिए। वो जब तक खाना के लिए खा के आती है, जब तक मैं घूम लेती हूँ छत पे। वो बस आगे वाले साइड में हो ही गया, बस यहाँ पे बचा हुआ है हाथ में, मतलब यहाँ पे इससे मारते हैं। फेस पे मेरा कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ग्लो नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा। चलो चलते हैं यार नीचे, धूप के वजह से तो हम और ज्यादा पता नहीं क्या हो गए। चलते हैं और थोड़ा सा मस्ती करते हैं। और पीछे साइड लगा रहे हम कुछ इस तरह का लगा। गुड़िया मेरे लिए खाना लेके आई है। थैंक यू गुड़िया। अब तुम खिला। कौन कौन रोशन है? चलते हैं, बाय बाय, चलो। हाँ चलो ना, कहाँ में बनाना है वो बता देना। यहाँ पे बनेगा। हेलो, बाय बाय सबको, बाय बाय। हम मेहंदी लेके जाएंगे घर से, लगा के आएंगे कल। इसका ये खराब है। अर्पण दर्पण मेहंदी, बाय अर्पण, मेहंदी बाय अर्पण। ऐसे आज से पहले तो कभी ये बनाए नहीं जो अभी हम बनाने वाले हैं, तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं है। और संजोग से मेरे फोन का बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो रखा है, देख रहे हो। हम इसमें भी एक बार सर्च किए, तो अपने अंदाज से बनाते हैं, देखना आप लोग भी। बोलिए मटर। और चमन से आप बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं चैनल। ब्लॉग छोड़ के फोटोग्राफर बन गया है। फोटोग्राफर नहीं बने, पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब सारा का डांस हो गया, बाकी है दीदी का डांस। तो घर आने के बाद हम भी मेहंदी लगा लिए हैं, और यहाँ पे देख रहे हो सब हल्दी का ज्वेलरी बनने का सामान सब बनाएंगे बाद में, बट इससे पहले मेहंदी लगा लिए। बच्चे का एग्जाम है, लेकिन बच्चे को मेहंदी लगाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो।